हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा जनरली हम मावे के साथ बनाते हैं, बट आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें हम मावा यूज नहीं करेंगे। बट मावा ना यूज करने की वजह से उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी उसके रिचनेस में, वो उतना ही अच्छा उसका टेक्स्चर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये गाजर के हलवे की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 kg कैरेट ली है, गाजर इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, साथ ही मैंने मिल्क भी 2 kg लिया है, बट इसे मैंने क्रीम के साथ लिया है, जो हम दूध के ऊपर क्रीम आ जाती है उसे मैंने स्टोर किया है। 1 कप क्रीम है इसमें, 2 kg मिल्क है, साथ ही 200 ग्राम मैंने शुगर ली है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो गाजर है उसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे कुकर में। यहाँ पर हम कुकर में गाजर को इस तरह लेयर कर लेंगे और उसे 2 whistle आने तक कुक करेंगे। कुकर में इस तरह कुक करने से ये होता है कि इसमें जो रॉनेस होती है गाजर की वो चली जाती है और हमारा काफी सारा कुकिंग टाइम बच जाता है। तो हम इस तरह लेयर कर देंगे। अगर हमारे पास गाजर ज्यादा है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इसमें से जो मॉइस्चर रिलीज होगा तो इसमें स्पेस बनती चली जाएगी। तो हम इसमें थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं बाकी की गाजर को डालने के लिए। और अब हमारी गाजर सारी इसमें आ चुकी है, तो इसमें हम 1 cup इसमें मिल्क ऐड करेंगे, जो मिल्क हमने लिया है क्रीम के साथ, और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब इसे कवर करके हम 2 to 3 whistle लगवाएंगे। इतनी देर में ये गाजर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, साथ ही जो मिल्क हमारा बाकी बच गया है उसे हम साथ में गर्म करने रखेंगे, ताकि वो भी कड़ता रहे और गर्म होता रहे, तो उससे भी हमारा कुकिंग टाइम बचेगा। और विसल आने के बाद हम इसका इस तरह प्रेशर निकाल लेंगे और इसे खोलेंगे। हमें जैसे इसे कुक करना था तो वो हो चुका है, तो हमें इसे बहुत देर नहीं रखना। इस तरह इसका प्रेशर निकाल के इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए गाजर काफी अच्छा इसका कलर हो गया है, काफी सॉफ्ट हो गई है, और जिसकी रॉनेस होती है सबसे मेन वो चली जाती है। तो हमें अब बाकी कुक करते हुए इसका नहीं ध्यान रखना कि गाजर हमारी उसमें पानी है या वो कुक हुई है प्रॉपर, वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारा 1/2 hour का टाइम जो है गाजर के हलवे को बनाने का वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इसमें हम जितना इसमें दूध आता है उतना दूध ऐड करते रहेंगे और इस तरह कुक करेंगे। आपके पास अगर गाजर कम है तो आप इसी कुकर में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है ये काफी कम स्पेस है इसमें, तो मैं एक बड़ी कढ़ाई लूंगी। और खुले बर्तन में बनाने का ये फायदा है कि इसमें ये दूध बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा और इसमें काफी जल्दी ये कुक हो जाता है, इसका कुकिंग टाइम काफी कम हो जाता है और इसे चलाना भी बहुत आसान हो जाता है खुले बर्तन में। तो जो बाकी का दूध है वो भी मैं एक साथ ही इसमें ऐड कर दे रही हूँ और अब इसे हल्की आंच पे कुक करेंगे, या फिर अगर आप खड़े रहना चाहते हैं थोड़ी उसके साथ तो आप तेज आंच पे भी इसे कर सकते हैं। और इस तरह इसमें बॉइल आता रहेगा, आप इसे हिलाते रहिए साइड से। इसमें जो हमने क्रीम डाली है उससे ये मिल्क और भी रिच हो गया है और इसमें काफी जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। अब देखिए इस तरह इसमें थिकनेस आती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में, बस ये बीच में हिलाते रहिए। और इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह का पैकेट लिया है, ये 20 ग्राम के आसपास है, तो मैंने यहाँ पर 3 packets के राउंड इसमें डाला है। इससे क्या होता है इसमें काफी भुरभुरापन आ जाता है, साथ ही दूध बहुत जल्दी थिक हो जाता है। साथ ही इसी टाइम पे हम शुगर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि शुगर के ऐड करते ही ये फिर पानी छोड़ता है, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शुगर भी ऐड कर दी है और अब इसे तेज आंच पर हम इस टाइम खड़े रहेंगे इसके साथ और इसे तेज आंच पे चलाते रहेंगे, ताकि ये लगे नहीं, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है और इस टाइम अगर गाजर का हलवा लग जाता है तो उसका टेस्ट भी कट जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस टाइम बड़े ध्यान से इसको हिलाते हुए चलाते हुए कुक करें। और ये देखिए काफी अच्छा सॉफ्ट गाजर हो गई है, बिल्कुल हलवे जैसा टेक्सचर होता है उस तरह का हो गया है। अब जरा सा इसमें पानी है उसे हम इस तरह हिलाते हुए रिड्यूस करते रहेंगे। इसी टाइम पे हम इसमें घी ऐड कर देंगे। अगर आप घी ज्यादा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं ज्यादा, मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी डाला है और इसे इससे कुक करेंगे। और ये देखिए इसका चेंज हो गया कलर, इसे मैंने साइड निकाल लिया है। और मैं एक साथ सारे गाजर के हलवे को नहीं फ्राई करती हूँ, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से। अभी मैं थोड़ा सा
घीले के इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, ड्राई फ्रूट अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। और इसमें जो ये कुक हुआ हुआ गाजर का हलवा है इसे हम ऐड करेंगे और जितना हमें सर्व करना है उतना ही हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह गाजर के हलवे का कलर भी काफी चेंज हो जाता है और ये काफी अच्छा लगता है। इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर किसी को कम फैट यूज करना है तो आप घी कम डाल के उसे फ्राई करके दे सकते हैं। और देखिए गाजर का हलवा काफी रिच लग रहा है। इस तरह हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह से बनाते हैं, ये भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।